यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं। सर आप लोगों के हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए यूपी में? अखिलेश यादव। सर आपके हिसाब से? योगी आदित्यनाथ। योगी जी आप बताइए सर। अखिलेश यादव कि अभी मन नहीं बनाया? अरे योगी आदित्यनाथ चाहे अखिलेश, जो भी जो मनो अच्छा काम करे वही हो, जो अच्छा काम करे। चलिए ठीक है भाई साहब। अखिलेश यादव भाई साहब से पूछ लेता हूँ, इधर आते हैं सर। अखिलेश यादव, योगी जी, मायावती, कोई अन्य? अखिलेश यादव। आपके हिसाब से? जी सर अखिलेश। ये देवरिया के लोग हैं और मैं देवरिया में हूँ, गोरखपुर। गोरखपुर बहुत निर्णायक जगह है। सर आप लोग क्या, किसको मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। देखिए भाई साहब अंदर से हाथ उठाकर बता रहे हैं अखिलेश यादव। आप अच्छा यहाँ पर जो कस्टमर लोग आए हुए इनसे मैं पूछ लेता हूँ, आपके हिसाब से भैया? अखिलेश यादव। आपके हिसाब से? अखिलेश यादव। आपके हिसाब से? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। देखिए अम्मा लोग भी बड़े गुपसुप बोल रहे हैं लेकिन अखिलेश बोल रही है। आपकी बार किसकी सरकार होनी चाहिए? आपकी बार? हाँ सपा की सरकार बन रही है। बन रही है? हाँ। देवरिया के लोग क्यों बदलाव कर रहे हैं? इसलिए कि भाजपा से सारे लोग त्रस्त हो गए हैं, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से। जी। कोई पहलू पर खड़े नहीं उतरे। बेकारी तो इतनी बढ़ गई कि लड़के दौड़ते दौड़ते फील्ड में ओवरएज हो गए, वैकेंसी नहीं आई। क्या करेंगे ऐसी सरकार बनाकर? आप बताइए ना, कोई परियोजना लगाए नहीं और परियोजना बेचना शुरू कर दिए। हाँ कोई परियोजना बता दीजिए, आप पत्रकार हैं। जी जी मैं समझ रहा हूँ दादाजी, बिल्कुल समझ रहा हूँ। और मैं जल्दी जल्दी से लोगों से राय ले लेता हूँ। देवरिया में मैं हूँ, देवरिया के लोग अब की बार किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, मैं ये जानने की आज कोशिश कर रहा हूँ। क्यों भाई साहब, किसकी सरकार बननी चाहिए? अखिलेश यादव। देखिए भैया क्या बोल रहे हैं, सबसे अच्छा उपदेश रहा है। अच्छा जी आप भैया बताइए किसकी, क्या? अखिलेश यादव। सर अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। दादाजी किसकी सरकार है, किसकी सरकार बना रहे हैं? नहीं दादा, किसकी सरकार बना रहे? अखिलेश का। देख लो तुम्हें ताकत दगा दी उसको दादा दादा सवाल करने के लिए और दादा ने धाय से गोली मार दी। ये देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, ये देखिए भाई साहब खड़े हैं, आप भाई साहब खड़े हैं, किसकी सरकार बना रहे? अखिलेश यादव की। भाई साहब बीजेपी। बीजेपी। देखिए देवरिया के लोग क्या कह रहे हैं वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और जल्दी जल्दी से मैं लोगों से सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देवरिया के लोग अब की बार यूपी में किसको लाना चाहते हैं, किसको यूपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सर शर्मा गए मुझे लग रहा है, दूर भाग रहे हैं आप हैं? सर आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होगा? भाई भाजपा के मुख्यमंत्री होना चाहिए। बीजेपी मतलब कि योगी जी। चलिए ठीक है, आप लोग बताओ। अखिलेश यादव। वोट आती है? हाँ वोट आती है। अच्छा आप बताओ। अखिलेश यादव। आप बताओ भाई, जो नौकरी देगा रोजगार देगा उसको बात करेंगे। तो है कौन, ऐसा कौन है? अब देखेंगे अपने क्षेत्र के हिसाब से। वोट आती है कि नहीं आपके? आती है। आप वोटर लिस्ट में तो नाम नहीं है? ठीक है, सरकार गवर्नमेंट चेंज करना चाहते हैं ताकि बेरोजगारी और नौकरी के संभावना। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन फिर भी आप हम गवर्नमेंट चेंज करना चाहते हैं क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हमें नौकरी की अति आवश्यक नौकरी की आवश्यकता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। और मैं देवरिया में मैं हूँ सर, एक छोटा सा सवाल है, अब की बार यूपी में किसकी सरकार होनी चाहिए? योगी जी आएंगे। आपके हिसाब से? योगी की। पक्का? कुछ लोग बोल रहे अखिलेश यादव आएंगे। नहीं नहीं योगी जी 100% 100% योगी जी आएंगे। भाई साहब बोले, आप बताइए सर। 100% क्यों, कौन? योगी जी। योगी जी 100%। दादाजी अखिलेश यादव, योगी जी, मायावती या फिर कोई अन्य, कौन कौन किसकी सरकार? बतौला अखिलेश यादव, मायावती, योगी जी, आम आदमी पार्टी, ओवैसी को जानते हो? ओवैसी को वो भी है, बाकी अब तमाम है। फिर दो तीन जो चेहरे बड़े बड़े हैं वो बता दें, अखिलेश यादव है, मायावती है, योगी जी है। योगी जी है? योगी जी। हाँ योगी जी पसंद। दादाजी को समझाने बड़ा टाइम लगा लेकिन योगी जी पसंद आ रहे। चलिए आगे बढ़ते भाई साहब बैठे। सर आपकी देवरिया में मैं आया हूँ, एक छोटा सा सवाल है, अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए, अखिलेश यादव, योगी जी, मायावती या फिर कोई अन्य? योगी जी की। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इधर देखिए भाई साहब कुछ लोग खड़े हैं। हाँ जी किसकी सरकार बना रहे? अखिलेश का। अखिलेश की। सर आप? मैं देखता हूँ आपको यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू मेरे भाई। और अखिलेश को ही देंगे वोट, इसलिए कि कुछ मोदी प्रधानमंत्री रहे और अखिलेश मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे। भाई साहब आप बताइए। अखिलेश जी देखिए देवरिया में अभी तक तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग मुझे ज़्यादा मिले हैं, आगे देखते। दादाजी एक छोटा सा सवाल है, किसकी सरकार होनी चाहिए? अखिलेश की होगी और क्या? अखिलेश की होगी। देवरिया के लोग बदलाव क्यों कर रहे हैं? बदलाव होना ही होना है। बदलाव होना है? हाँ बदलाव होना ही होना है दादाजी बता रहे हैं। भाई साहब छोटा सा सवाल, मैं अंदर नहीं होगा लेकिन मुझे जवाब दे दीजिएगा, अखिलेश यादव, योगी जी, मायावती या फिर कोई अन्य, अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश। अखिलेश यादव।
भाई साहब वहाँ से अखिलेश यादव बोले, शायद आपको ना सुनाई दे तो मैं आपको रिपीट करके बता दूँ, अखिलेश यादव भाई साहब वहाँ से बोले। खैर आगे बढ़ते, देवरिया के लोग किसको पसंद कर रहे हैं भैया, यहाँ लहर किसकी है, ये मैं देखने की और बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। सरकार बन रही है सपा की, अखिलेश यादव की सपा की सरकार बनेगी। अम्मा किसकी सरकार बना रही है, अखिलेश यादव योगी जी माया को हम बुला रहे हैं भैया, अखिलेश को बना रहे हैं। हाँ, अच्छा आपके हिसाब से अखिलेश की, आपके हिसाब से माजी सब अखिलेश वाला है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद भाई, थैंक यू आप हो गया। सर किसकी सरकार होनी चाहिए, सपा 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 पसंद आ रही है योगी जी। अब चलिए भाई यहाँ पर देख रहे हैं मैं देवरिया में हूँ और देवरिया के लोग अभी तक तो मुझे लग रहा है पलड़ा सपा का भारी दिखाई इस वीडियो में, आप देखते रहिए मैं कोशिश करता हूँ और भी लोगों से बात करने की। भाई साहब किसकी सरकार होनी चाहिए, योगी जी अखिलेश यादव मायावती? योगी जी, योगी जी आपके हिसाब से? योगी जी अंदर से आवाज आई, योगी जी खैर मुंह बंद कर लिया, आपके हिसाब से भैया सरकार किसकी होनी चाहिए? हमारा नहीं पता, नहीं नहीं कुछ मालूम। अच्छा चलो भाई साहब को कुछ किसकी सरकार होनी चाहिए, अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, इसलिए क्या है कि भाजपा की सरकार शासन साल में आपने सब देखा ही है। हाँ। कि हर चीज बेरोजगारी से लेकर, पहले तो सबसे ज्यादा शिक्षित लड़के जो लड़के हैं वो बेरोजगार हैं। हाँ। नौकरी नहीं मिल पा रही है, ना एक बार वैकेंसी निकाल रहे हैं, तमाम प्रकार की महंगाई बढ़ी हुई है। कुल मिला के अखिलेश यादव जी, कुल मिला के अखिलेश यादव जी है। देखिए समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में लहर है, लहर है यहाँ से पिंटू सिंह में क्यों लहर बन रही है, यहाँ से पिंटू सिंह प्रत्याशी है और हर समाज के लोग हर समाज अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहा है। अच्छा देखते हैं दादा कौन से समाज से आप? समाजवादी पार्टी से। समाज कौन सा है आपका, पार्टी तो आपकी समाजवादी, चलिए मान गया मैं। कौन से क्या नाम लिखते हैं आप? हसन। हसन चलिए ठीक है, हसन भाई है और हसन भाई भी समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। देवरिया के लोग किसको पसंद कर रहे हैं? पिंटू सिंह को। अभी मैंने आपसे बात किया ना, अभी मैंने आपसे बात किया, कितनी शुभ राय आएगा ये देखने के, ये भारत एक सोच के नाम से आएगा, भारत सोच नाम है, व्हाट्सएप कौन सा व्हाट्सएप डाला जाए, किस पर आएगा, यूट्यूब पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम ट्विटर आप जो भी चलाते हो, आपके फोन आपके पास फोन है तो मतलब मैं हूँ। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उमा शंकर यादव। उमा शंकर, उमा शंकर यादव, क्या बात है, अभी तो आप अखिलेश कर रहे हो। अखिलेश इसके पहले नाम देवेंद्र भारती है, मेरा नाम देवेंद्र भारती है। अच्छा। मुझे तो हाथी की चिल्लाना चाहिए। हाँ। बल्कि मैं जानता हूँ कि प्रदेश में हाथी नहीं आ रही है, नहीं तो क्यों मैं हाथी का नाम लूँ? मैं समाजवादी पार्टी सरकार जो हर दलित समाज के लिए हर एक वर्ग के बारे में वो सोच रहे, मैं उन्हीं के बारे में करूंगा ना, मैं दलित समाज जाता हूँ मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे तो हाथी की सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि मैं जानता हूँ सत्ता में वो हाथी नहीं आएगी तो मैं क्यों अपना वोट खराब करूँ, मैं महाराष्ट्र अखिलेश यादव को वोट देंगे। देखिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, अब लहर इतना भारी चल रही है, सातों विधानसभा में साइकिल दौड़ रही है और सातों विधानसभा का विधायक हमारे जीत रहे हैं, सातों विधानसभा के। ये तो आंटी जी आपके हिसाब से? हम भी अखिलेश के, अखिलेश यादव पसंद आ रहे, क्या बात है। देखिए अखिलेश आप बताइए भाई साहब, मोदी जी आपके हिसाब से? जी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव क्यों? जी अखिलेश यादव इसलिए बनेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता भूखमरी बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, युवा नौजवान साथियों बेरोजगारी से त्रस्त है, साथियों सभी लोग यहाँ बेरोजगार है, नौजवान साथी पड़े हुए हैं, रोजगार दे दिए हैं आप बता रहे हो रोजगार जी, सब उनका फ्लॉप है, कोई झूठ जुमलेबाजों की सरकार है, केवल वो जुमलेबाज करते हैं और आज तक उत्तर प्रदेश में जमीनी हकीकत पे कोई उनका काम नहीं हुआ, न कुछ उनका धरातल पे दिखा, केवल इस 5 सालों में भाजपा के तानाशाही सरकारों में युवा नौजवान साथियों का बेरोजगारी बढ़ा, महंगाई बढ़ी, गैस इतना महंगा हो गया, कड़ू का तेल इतना महंगा हो गया, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हम लोग किसान हैं, हम लोगों की खेती जो है सार चढ़ जा रहे हैं, जुमलेबाजों की सरकार यह बोले कि आय दुगुना करेंगे, आज तक किसानों का कोई आय दुगुना नहीं हुआ, हम लोग त्रस्त हैं, रात भर खेत रखाते हैं, इनके जो साढ़ हैं साढ़ हम लोगों का खेत चढ़ जाते हैं, साढ़ खेत चढ़ जाते हैं। चलो ठीक है मैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमारा जो सर्वे है भाई साहब बड़ी स्पीड वाला सर्वे है, मैं जल्दी जल्दी से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ अखिलेश यादव योगी जी। भाई साहब अरे रुको यार, किसकी सरकार बना रहे ये बताइए, किसकी सरकार बना रहे? बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार बनेगी। देखिए बीजेपी वाले भी मिल रहे लेकिन अभी तक मुझे जो है बीजेपी वाले बहुत कम मिले। चलिए कोई बात नहीं, मैं देवरिया में खड़ा था और देवरिया के लोग अब की बार यूपी में किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं वो मैं जानने की कोशिश कर रहा था। खैर यहाँ पर तो मुझे एक तरफा हिसाब किताब दिखा भाई, जिधर जा रहा था उधर समाजवादी कुछ गिन के मुझे बीजेपी के लोग मिले। खैर इस सर्वे से आपने क्या समझा क्या जाना, अपनी राय मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते नई जगह पर नए मुद्दे के साथ, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं बल्कि एक सोच है और आज
हर भारतीयों को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित देवरिया गोरखपुर। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।